और आज के वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे शेडर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और बेडरॉक एडिशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो और जब उसको आप यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जावा वर्जन में कोई हाई एंड शेडर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर वन। नंबर वन पे जो हमारा शेडर्स आता है वो है हमारा BSL शेडर्स। BSL शेडर्स एक ऐसा शेडर्स है जो आपको एकदम अच्छी तरीके से आपको शेडर्स का फील लेके आएगा, वो एकदम अच्छा फॉग भी आपको देगा। और वो BSL शेडर्स पहले आपको सिर्फ जावा वर्जन में देखने के लिए मिल जाता था, अब वो पॉकेट और बेडरॉक के लिए भी आ चुका है। और मैं एक डाउट आपके लिए क्लियर कर दूं कि पॉकेट एडिशन और बेडरॉक एडिशन एक ही वर्जन होता है लेकिन अलग अलग डिवाइस पे चलता है। सो लेट्स मूव टू नंबर टू। नंबर टू पे जो आपको शेडर्स मिल जाता है उसका नाम है एस्ट्रालेक्स शेडर्स। एस्ट्रालेक्स शेडर्स एक ऐसा ब्राइट शेडर्स है जो आपको ऐसा फील देगा कि आप पीसी में कोई हाई एंड शेडर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ये इंटेंसिटी में भी बहुत अच्छा आपको नाइट विजन देगा और डे टाइम में भी आपको बहुत अच्छा शेडर्स का फील देगा। ये बगैर लैब के अपने माइनक्राफ्ट में चल जाएगा और इसके लिए आपको हाई एंड डिवाइस भी नहीं चाहिए होगा। ये एपेक्स लेक्स शेडर्स एक ऐसा शेडर्स है जो जावा शेडर्स का आपको फील देगा और अमेजिंग आपको बिना कोई लैग देखे आप 1 GB रैम में भी इजीली चला सकते। सो लेट्स मूव टू नंबर थ्री। सो हमारा नंबर थ्री पे जो शेडर्स आता है उसका नाम है कापा शेडर्स। कापा शेडर्स एक ऐसा शेडर्स है जो RTX जैसा लगता है और ये विंडोज 10 वाला जो RTX होता है और जो प्ले स्टेशन के जो शेडर्स होते हैं उसको इजिली वो टक्कर दे सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छा शेडर्स होता है और उसके रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको हाई एंड मोबाइल की जरूरत पड़ सकती है। सारे शेडर्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिर्फ एक क्लिक से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स मूव टू नंबर फोर। लेकिन नंबर थ्री का जो शेडर्स है उसमें एक खासियत है कि ये जो शेडर्स है वो एकदम आपको RTX की फील देगा और मजा भी बहुत आएगा। तो लेट्स मूव टू नंबर फोर। तो नंबर फोर पे जो आपको शेडर्स मिल जाता है वो है CUS PTGI। वो एक ऐसा शेडर्स है जो आपको नेचुरल करने पे मजबूर कर देगा क्योंकि एकदम नेचुरल शेडर्स है और एकदम रियल सन रियल मून एकदम अच्छी तरीके से वो फिजिक्स भी काम करता है उसमें और ये एकदम रियलिस्टिक जैसा रेस आपको मिल जाता है। डे टाइम में आपको अगर वो शेडर्स इस्तेमाल करोगे तो मजा ही आ जाएगा क्योंकि वो इतना ब्राइट शेडर्स है और अगर आप डीप केव्स में भी जाओगे और अगर वो इस्तेमाल करोगे तो एकदम RTX की आपको फील मिलेगी। तो लेट्स मूव टू नंबर फाइव। लेकिन नंबर फाइव से पहले मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आज इस वीडियो में सिर्फ पांच ही शेडर्स नहीं, मैं आपको बोनस शेडर्स भी जरूर से देने वाला हूं। तो वो बोनस शेडर्स आप जावा में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बेडरॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हो और पॉकेट में भी इस्तेमाल कर सकते हो और बगैर कोई लैग के लो एंड डिवाइस पे आप इजीली उसको इस्तेमाल कर। तो लेट्स मूव टू नंबर फाइव। तो जो हमारा नंबर फाइव पे आता है उसका नाम है एसिड शेडर्स। एसिड शेडर्स ज्यादा कोई अच्छा शेडर्स नहीं है लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा लैग वो हट जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप पॉकेट एडिशन में और बेडरॉक एडिशन में ऑप्टिफाइन लगा के खेल रहे हो। ये एकदम आपको कनेक्टेड ग्लासेस और कनेक्टेड टेक्सचर भी आपको प्रोवाइड करेगा और इजीली आप लो एंड डिवाइस में तो आप इजीली सकते हो बगैर कोई लैग के। और अगर ये आपको हाई एंड डिवाइस के लिए चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एसिड शेडर्स लो एंड के भी आता है और हाई एंड से भी आता है। ये ऐसा शेडर्स है जो आपको शेडर्स की तो प्रोवाइड नहीं करेगा और लेकिन ये कनेक्टेड टेक्सचर्स आपको जरूर से प्रोवाइड करेगा और टेक्सचर्स को पिक्सल भी ये बहुत अच्छे से बढ़ा देगा और ऑप्टिफाइन भी आपको बहुत देगा अच्छी तरीके से और आपका माइनक्राफ्ट भी बहुत आसानी से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब लेट्स मूव टू बोनस शेडर, क्योंकि बोनस शेडर्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जरूर से। तो लास्ट में जो हमारा बोनस शेडर्स है उसका नाम है तो होता है कॉम्प्लीमेंटरी शेडर। एक ऐसा शेडर है जो आपको एकदम डल देगा लेकिन अगर आप डीप केव्स में हो तो डीप केव्स में आपको बहुत अच्छा नाइट विजन देगा और डे में आपको एकदम डल दिखाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा शेडर है क्योंकि ये सारे एडिशन में चल जाता है, ड्रॉक एडिशन, जावा एडिशन, पॉकेट एडिशन और बहुत सारे एडिशन जो ये सपोर्ट करता है। लेकिन कुछ शेडर्स होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एडिशन के लिए काम करते हैं, लेकिन ये शेडर एक ऐसा शेडर है जो सारे एडिशन में काम करता है। लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी खराब है लेकिन आप इसके इस्तेमाल जरूर एक बार ट्राई कर। तो ये थे हमारे पांच ऐसे शेडर्स जो आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और बेडरॉक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ऐसे ही शेडर्स आपको जावा के लिए भी चाहिए लो एंड पीसी के लिए तो आप नीचे कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हो और मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बना के लेके आऊंगा। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने माइनक्राफ्ट में तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक and bye bye. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental
freeze when these people talk too much. Put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb?